पता है आपको अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नीमतानी दो नेमतें हैं अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं, अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं। कौन सी दो नेमतें हैं? एक सेहत वल फराग, गुड हेल्थ और फ्री टाइम। गुड हेल्थ और फ्री टाइम, सेहत, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको ज्यादा इबादत करना चाहिए कि स्लीपी बनना चाहिए? ज्यादा इबादत करना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है तो तब क्या करना चाहिए, गुड डीड्स करना चाहिए कि बैड डीड्स करना चाहिए? गुड डीड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, गुड हेल्थ होती है ना, हेल्दी एंड स्ट्रांग होते हैं ना, तो बैड डीड्स करते हैं, और जब सिक हो जाते हैं तो क्या करते हैं, गुड डीड्स, तब तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है आप अगर अच्छे हेल्दी हैं वो टाइम पर आप अल्लाह की इबादत करें और उसके बाद सिक पड़ जाए, बीमार हो जाए। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें स्ट्रांग बनाए ताकि हम अल्लाह की और इबादत करें। लेकिन जब हेल्दी हैं तब आप जो इबादत करेंगे, अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको वो अजर इंशाल्लाह ऑटोमेटिक मिलेगा। हाँ बच्चों, समझ रहे हैं आप? जब आप हेल्दी होकर जो इबादत करेंगे, सपोज आप हेल्दी है उसमें आपने इतनी सारी इबादत की है, इतना सारा सवाब मिला आपको, और जब सिक हो गए ना तो इतना सा कर सके, बीमार है तो, बीमार है तो इतना किए, हेल्दी है तो इतना किए, तो आपको पता है, सवाल पूछ रहा हूं, तो भी अच्छा। तो बीमार है तो इतनी सी नेकी कर सके, हेल्दी थे तो इतना किए, तो आपको पता है अल्लाह ताला क्या देते हैं बीमार पर्सन को, क्या देते हैं आपको पता है? ऑटोमेटिकली ये पर्सन हेल्दी होता तो इतना करता, बीमार है तो इसलिए इतना किया, तो अल्लाह ताला उस बंदे को बीमार होने के बावजूद, नहीं करने के बावजूद इतना अजर देते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्दी होते तो इतना करते, आप समझ रहे हैं? तो लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, ओवर स्लीपिंग। हाँ, दो चीजें अक्सर लोग क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। कौन सी दो चीजें? अस्सेहतो वल फराग, गुड हेल्थ एंड फ्री टाइम। रिपीट, गुड हेल्थ एंड फ्री टाइम। आप लोग वेस्ट करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं करेंगे। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं करेंगे, आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे, बोलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गुड हेल्थ को वेस्ट करेंगे? नहीं। फ्री टाइम को वेस्ट करेंगे? नहीं। अगर करेंगे तो किसका नुकसान है? हमारा। आपका नुकसान है कि आपके पड़ोसी का? हमारा। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आपके पड़ोसी का नुकसान है, आपका खुद का नुकसान है, क्योंकि आपको अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़े होना है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।